नमस्कार दोस्तों, हमें यार ये आप लाइव फ्यूचर्स देख रहे हैं। सो निफ्टी फ्यूचर काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और डाओ फ्यूचर जो है वो अनडिसाइडेड है और विक्स भी जो है वो ठंडा हो गया है। डाओ स्पॉट भी जो है वो भी अनडिसाइडेड है। बाकी उनका जो स्मॉल कैप है वो काफ़ी जो है ज़बरदस्त तरीके से भाग रहा है। इसी को जो है रिफ्लेशन ट्रेड आज के डेट में कहा जा रहा है। रिफ्लेशन ट्रेड कि लार्ज कैप को सब चल गए हैं, अब जो स्मॉल कैप्स है वो भी चलेंगे बिकॉज इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होने का चांस दिख रहा है। कॉपर की अगर बात करें तो कल ये 3% डाउन था और आज ऑलमोस्ट 2% जो है रिकवरी आ गया है इसके अंदर। इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि ये जो डॉलर इंडेक्स है ये ऑल्डो 90 के ऊपर ही है लेकिन रेड में है। अगर ये आज भी ग्रीन में होता था तो अच्छा खासा जो है फॉल देखने मिलता था। तो जो हमारे जो शॉर्ट जो ट्रेड्स है वो काम नहीं कर रहे हैं। और अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये भी कल 20-25% गिरा था और अभी वापस से 6-7% अप है। एक ही जो है वॉल ऑफ वरी वो है आपका बॉन्ड यील्ड। तो ये बॉन्ड यील्ड जो है ये पहले 1 के ऊपर जाएगा नहीं ऐसा लग रहा था, फिर 1.1 के ऊपर जाएगा नहीं ऐसा लग रहा था, फिर 1.1 के ऊपर चला गया। तो ये काफ़ी जो है स्ट्रांग है बॉन्ड यील्ड। तो इसमें अगर निफ्टी का अगर बात करें तो ये आपका डेली चार्ट है आपके सामने, 80 के ऊपर जो है इसका RSI निकल गया है। तो अगर आप 21 दिसंबर की बात करें जो ज़बरदस्त फॉल आया था ऑलमोस्ट 600 पॉइंट प्लस का, यहाँ पे भी आप देखिए 77 RSI, 79, 80, 81 और फिर गिरा है। तो ये उसी तरीके से जो है सिनेरियो बिल्ट अप हो रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। सो ये देखिए आप 77, 79, 80। तो एक कल अगर जोरदार गैप अप आता है तो ये 81 के आगे निकल जाएगा। या अगर कल ठंडा रहा तो परसों ये सिनेरियो देखने मिल सकता है। लेकिन 21 दिसंबर का जो सीन है, जो एक बिल्ट अप हुआ था और फिर अचानक से दे दिया था मार्केट, उस टाइप का तैयारी हो रही है ऐसा हमको क्लियरली लग रहा है। ऑल दो शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे आप लेते हैं तो लॉसेस ही हो रहे हैं। सो 81 के ऊपर अगर ये RSI निकल जाता है तो एक आपको यहाँ पे शार्प स्लाइड का मौका मिल सकता है बिफोर द एक्सपायरी और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। सो ये हम लोग को टेस्ट करते रहना है। ऑल दो लाइक वी हैव टू कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट एंड इन दैट पार्टिसिपेशन यू मे लूज मनी। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो इन्वेस्टर है उनको तो शांति से होल्ड ही करना है जब तक के बजट नहीं आता है। बजट के बाद ही जो है इन्वेस्टर जो है उसको अपना पोजिशन स्क्वायर ऑफ करना है या एग्जिट करना है उसके बारे में डिसीजन लेना है। अगर बजट अच्छा रहा तो कंटिन्यू करना है और बजट अगर एक्सपेक्टेशन के सामने कम रहा तो एग्जिट करना है। लेकिन फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू 21 दिसंबर में जो सीन बन गया था उसी तरीके से सीन बनता हुआ हमको नज़र आ रहा है। तो एक शार्प फॉल जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आइदर ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। थैंक यू वेरी मच।